हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। गाइस आज मैं जा रहा हूँ एक बीच पे, जो कि बीच बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब गोवा की बीच की फीलिंग है। तो जब भी कोई मुंबई के बारे में सुनता है तो उसके मन में सिर्फ एक ही आता है, क्या बॉलीवुड के लिए फेमस है। बाकी बहुत कुछ दिमाग में आता है, लेकिन जब भी कोई मुंबई के बीच पर जाता है तो कचरा देख के काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। मुंबई के बीच का पानी भी बहुत ख़राब होता है, तो आज मैं ऐसे बीच पे लेके जा रहा हूँ। उसका पानी भी बहुत अच्छा है और पब्लिक भी बहुत कम है। तो बता रहा हूँ मैं, अगर कोई अगर मुंबई विज़िट करने आ रहे और अगर ऐसे बीच की हालत देखेगा तो बहुत डिसअपॉइंट होगा वो। तो मेरा हक बनता है ना, मैं आपको बताऊँ, कुछ अच्छा टिप्स दूँ। तो आज हम जा रहे हैं अपने बाइक के साथ, तो सफ़र की शुरुआत करते हैं इधर से। तो गाइस सफ़र की शुरुआत करने से पहले गणपति बप्पा गाइस बीच पे आ गया हूँ मैं, अक्सा बीच। गाइस इधर आके इतना शाम के टाइम आया तो गर्दी भी बहुत है, और सबसे गंदी बात मुझे ये लगी, मैं बीच पे अगर आते हो तो आप कचरा अपना वापस रखना चाहिए। इधर पूरे बीच पे कचरा फेंका है, तो कचरा इधर नहीं फेंकना चाहिए। तो मस्त इधर पब्लिक क्रिकेट खेल रहे, कोई कपल्स के साथ बैठे, पीछे गर्दी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा तो इधर मुझे कपल्स ही दिख रहे हैं, और फैमिली के साथ भी बहुत लोग आए हैं। लेकिन अगर आ रहे हो तो इधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, वही यार गंदी बात है। तो भाई मैं जाता हूँ थोड़ा पानी में, देखता हूँ पानी में नहीं कैसा है। लेकिन एक्स्ट्रा कपड़े तो लेके नहीं आए मैं, अगर नहाने का मन किया तो नहा भी नहीं सकता। भाई पानी देखो कितना क्लीन है, भाई आगे तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा फ़ोन पानी में भीग गया है। और मैं नहाने का मन तो कर रहा है बीच में, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कपड़े लेके नहीं आया। पानी देख के नहाने का मन तो कर रहा है, क्यों पानी बाकी सब बीच पे इतना अच्छा नहीं है, पर पानी इधर ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और अगर ज़्यादा आगे भी गया तो पीछे मेरा कैमरा बैग भी है, उसमें कैमरा भी है, कैमरा भीग गया तो पूरा वाट लग जाएगा, इसलिए आगे जा नहीं रहा हूँ। गाइस नज़ारा देखो बीच का, तो ऑलमोस्ट मेरा पैंट पूरा भीग गया, मोबाइल मैंने पीछे के पॉकेट में डाल दिया है तो मोबाइल भी भीगे ना। भाई शूज़ को पानी में बहुत दूर रखा था, अभी शूज़ तक भी पानी आ गया है। अपने भाई इधर फोटो निकाल रहे हैं मस्त। भाई नहीं देखो फोटो निकालने में बिजी है भाई अपने। Ready to go, my
हाँ यार कैमरा देख के डर रहा है। तो बीच में बच्चे लोग का मस्ती देखो, बच्चे लोग का मस्ती, बच्चे लोग इधर ही रहते हो? इधर ही रहते हो? गांधीनगर। इधर है वो? गणेश नगर भी नहीं पता। बच्चे हमने इधर ही रहते, गांधीनगर। ओ व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, क्या बोलते? अक्सर बीच में आके इसको फोटो वीडियो निकाल रहे हैं, इधर अंकल फोटो भी निकाल रहे हैं। अंकल कितना रुपये कॉपी? और कैसे वो फोटो वीडियो निकाल रहे हैं, 30 रुपये कॉपी है। इधर इधर भाई लोग भी घूमने आए, अपने जॉब भी छोड़ के इधर जॉब कर रहे, इधर आके फोटो वीडियो निकाल के लिए घर जाएंगे आराम से। फोटो भी एकदम मस्त निकले। मोबाइल वाइल लेके आया भैया, निकालो। नहीं चलो ठीक है। एक बात ये है, मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ही दिया है तो मुंबई में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो कंटेंट की कुछ कमी नहीं है, लेकिन तो ही मैंने कुछ अलग सोचा है। जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो धीरे धीरे वीडियोस तो डालना पड़ेगी, तो मैंने एक महीने में कुछ 8 वीडियो डालने को इसलिए सोचा है, मतलब एक साल में 100 वीडियोज़ मुझे यूट्यूब पर डालने। तो एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें पहले मैं मुंबई को कवर करूँगा, मतलब पूरा मुंबई कवर करने वाला हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में मुंबई किस से किस लिए फेमस है वो सब कवर करने वाला हूँ, जैसे गेटवे, मुंबई की लोकल ट्रेन, मुंबई की ट्रैफिक, स्टार्टिंग में ये सब कवर करने वाला हूँ। फिर सेकंड स्टार्टिंग एक महीने में कुछ ऐसे मुंबई के बारे में डालूँगा, सेकंड मुंबई के मार्केट के बारे में, तो मुंबई में कौन कौन से मार्केट फेमस है, जैसे प्रॉफिट मार्केट, एक मनीष मार्केट, फिर बाद में उस पर मार्केट पे भी टोटल कुछ 8 वीडियो बनाने वाला हूँ। फिर बाद में मुंबई के बीचेस, क्योंकि मुंबई में बीचेस की कमी नहीं है, बहुत बीच है, तो जैसे कि अक्सा बीच हो गया वैसे मुंबई में बहुत है, गोराई बीच है, वर्सोवा बीच है, मरीन, तो ऐसे ही मैंने सोचा है मुंबई धीरे धीरे कवर करने के लिए। अगर मेरा आइडिया अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि धीरे धीरे अभी मैं यही स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मुंबई कवर करने वाला हूँ, फिर मुंबई के बीचेस, फिर मुंबई में हिस्टोरिकल प्लेस कौन से वो सब कवर करने वाला हूँ। तो बस यही एक मेरा आइडिया है, धीरे धीरे यही स्टार्ट करने वाला हूँ। बीच से बाहर आने के बाद में शूज़ का हाल देखो क्या हुआ है। गाइज अगर आपको अक्सर विचार कर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बहुत कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इधर मेरे पीछे भी क्रिकेट चालू है, बीच पे आओ फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल के जाओ, बीच पे क्रिकेट खेलने में मज़ा ही कुछ अलग है। और इधर का सीन कोर्च और भी अच्छा है।